आज हम आपको एक रहस्यमोई जहाज के बारे में बताने जा रहे हैं। ये दुनिया का सबसे पुराना जहाज है। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। 3300 साल पुराना, जो समुद्र के तल पर मिले, लोगों ने इसे अभी तक नहीं देखा है। यह जगह इजराइल तट से 90 किमी दूर समुद्र के बीच में है। जहाज भूमध्य सागर में पाया गया था, हालांकि लोगों ने इसकी तलाश नहीं की। समुद्र के अंदर रेंगने वाला एक रोबोट अपना निष्कर्ष लेकर आया है। जहाज समुद्र से 1.8 किलोमीटर नीचे मिला। विशेषज्ञों का कहना है कि जहाज की उम्र 3300 साल है। यह अब तक का सबसे पुराना जहाज है, जिसका कंकाल आज भी समुद्र के तल पर खूबसूरती से पड़ा हुआ है। एक इजरायली कंपनी पूर्वी भूमध्य सागर के नीचे ईंधन तेल की खोज कर रही थी। उन्होंने ही जल स्तर की जानकारी लेने के लिए रोबोट भेजा था। तभी रोबोट की नजर इस जहाज के कंकाल पर पड़ी। 12 से 14 मीटर लंबा यह जहाज मालवाहक जहाज था। यह प्राचीन जहाज समुद्र के पार माल परिवहन करता था। इन जहाजों में तेल, शराब या फल जैसे उत्पादों का परिवहन किया जाता था। विशेषज्ञों को इस बात पर और भी यकीन हो गया, क्योंकि जहाज के मलबे में किसी तरह का एक जार मिला था। इसे एम्फोरा कहा जाता है। इसका प्रयोग प्राचीन ग्रीस में किया जाता था।